Hello friends, let's start again with another lecture of mathematics. We'll continue our index numbers. हम लोग 5.2 कर रहे हैं बेटा, weighted aggregate method से solve करने के लिए, and we have solved the two A problems. Let's solve the third one. Third one देखो बेटा आपके screen पर ही है. Calculate the Walsh price index number. तो आपने क्या करना बेटा? We have to find the Walsh price index number. So let us. What is given is the base year and the current year quantities and the prices. So P0, Q0, P1 and Q1 ये उसने दिया हुआ है, right? So let's start now. P0 कितना बेटा? 4, 6 and 8. बहुत अच्छा है. 4, 6 and 8. Q0 16, 16, 28 and P1 387 and finally Q1 19, 14 and 32. Okay beta. Now this is the values which they have given. Now what we have to find is we have to find the Walsh index number P01 using Walsh. Walsh क्या करता है बेटा? P1 and P0 ये तो fix है बेटा. He used the square root of Q1 Q0. क्या use करता है बेटा? Square root of Q1 into Q0 multiplied by 100. तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा? Q1 एंड Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. Q0 इंटू Q1 इनका मल्टीप्लिकेशन, ये Q0 और ये Q1. 16 इंटू 19, 16 इंटू 19 कितना था बेटा? 19. 20 इंटू 16 320 में से 16 गए, मतलब 304 आएंगे बेटा. 16 इंटू 19 विल बी 304. 16 इंटू 14 कितना आएगा बेटा? 80 कम आएगी इससे, मतलब 224. 14 6 are 84 and 14 and 8 is 22 बराबर है. And then 28 into 32, 28 into 32, 28 2s are 56, 5 carry, 28 3s are 84 and 89, 896 304 उड़ा देंगे बेटा. Now what we need is the square root of these two values. इनके square root चाहिए बेटा. Square root of Q0 Q1. अब ये square root कहाँ से मिल सकता है बेटा? You can get the square root from the log table. अब देखो बेटा स्क्वायर रूट टेबल्स में 304 को अपने को निकालना है, तो रूट ऑफ 304 आप ये किस में देखोगे बेटा? नाउ ये स्क्वायर रूट के दो टेबल है बेटा आपके लॉग टेबल में. यू कैन सी दैट देयर आर टू टेबल्स. आप अपना लॉग टेबल खोलो बेटा, स्क्वायर रूट वाले टेबल से जैसे जैसे आप जाओगे, इट्स ऑन पेज नंबर 66 इफ यू आर यूजिंग दिस गोल्डन लॉग टेबल. आगे पीछे हो सकता है बेटा, तो पहला जो है वो है 10 से लेके 100 तक, और दूसरा जो है दैट इज 100 से लेके 1 से लेके 10 तक है पहला, और दूसरा है 10 से लेके 100 तक. तो अब जब अपने को 304 का चाहिए बेटा, तो हमें इसको 304 को लिखना है 3.04 इंटू 100. ऐसा क्यों लिखना है बेटा? तो हमें यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरो चाहिए. अपने पास 1 से लेके 100 तक ही स्क्वायर रूट से बेटा, 1 टू 10, 10 टू 100. तो अपने को क्या करना है बेटा? अपने को यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरो चाहिए, मतलब 2, 4, 6 नंबर ऑफ जीरो. अब इसका रीजन है बेटा क्योंकि जब अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपन स्क्वायर रूट ऑफ 3.04 लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 3.04 किस में आएगा बेटा? 1 से लेके 10 तक आएगा. 1 टू 10 में देखेंगे बेटा, तो देखो 3 में 3.0 में देखो बेटा, 3.0 और उसके आगे 4 है, 1.744 आता है बेटा, 1.744. और 100 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली अपने को पता है 10 है, इसके लिए अपने को इवन नंबर ऑफ जीरोस चाहिए बेटा. अंडरस्टूड? सो इट विल बी 17.44. कितना आएगा बेटा? ये दिस इज 17.44. सिमिलरली 224 को कैसे करेंगे बेटा अपन? 224 को 2.24 इंटू 100. 2.24 का स्क्वायर रूट देखो बेटा, 2.2 अंडर 4 दैट इज 2.2 अंडर 4 इज 1.497. आता है बेटा 1.497 इंटू 10 मतलब 14.97 आएगा बेटा. दिस इज 14.97 एंड फाइनली 896. तो कितना आएगा बेटा? 896 मतलब 8.96 इंटू 100, उसका स्क्वायर रूट 8.96 देखो बेटा, 8.9 अंडर 6 इट कम्स आउट टू बी 2.993. तो ये आएगा 29.93 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. ओके, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1. इनके वैल्यूज अपने को मिल गए बेटा. P1 इंटू दिस वन, तो P1 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1. तो ये P1 है बेटा, और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है. 4 3 12, 4 3 12 एंड 1 13, 1 इज कैरी बेटा, 17 3 51 कैरी दैट इज 52.32. ओके, नेक्स्ट कितना है बेटा 8 इंटू ये 14.97 इंटू 8 मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ बेटा, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट कम्स आउट टू बी 119.76 आता है बेटा। एंड फाइनली ये 7 इंटू 29.93 आता है बेटा 209.51। देन इसकी टोटल तो अपने को चाहिए बेटा एंड इट कम्स आउट टू बी 9, 10 and 5 is 15, 1 carry, 10, 12, 31, 3, 4, 9 and 391.59 summation of P1 Q0 into Q1. Okay beta, and then you need P0 into root of Q0 Q1. Okay beta, summation of P0 Q0 Q1 uska root. ओके बेटा नाउ दिस ये तो क्यू P0 इधर है बेटा 4, 6 and 8, आपको इनको 4, 6, 8 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर लिख के लेता हूँ बेटा 4, 6 and 8। अब 4 into 17.44, 4 for the 16, 17, 7 for the 28 and 1 is 29, 2 कैरी तो ये आएगा 69.76 आएगा। उसके बाद 6 into 14.97 मतलब 90, 15, 6 and 90 आता है। 90 में से 0.18 जाएगा मतलब 89.82 ये आएगा बेटा। एंड फाइनली ये कितना 8 इंटू 29.93 तो 30 इंटू 8 इज 240, 240 में से 0.07, 0.56 जाएगा बेटा 0.5644 आएगा 239.44। ओके एंड देन इन सबका अपन क्या करेंगे एडिशन करेंगे बेटा। 10 and 2 is 12, 1 carry, 16 and 4 is 20, 18, 29, 2 carry, 10, 19, 399.02। ओके बेटा 3 एक मिनट बेटा 10, 12, 1 carry, 16 and 4 is 20, 2 carry, 18, 29, 2 carry, 16 and 3 is 19, 1 carry, 399.02 is the right answer। तो फिर अभी यहाँ पर अपने को क्या करना है बेटा, we have to find this Walsh index। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो ये देखो बेटा 381.59 डिवाइडेड बाई 399.02, it is 95.63. 0.63 will be the Walsh index. तो ये जो है ना बेटा ये थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल वी कैन डू इट। आपको क्या करना है बेटा पहले Q0 Q1 लेना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है राइट। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पर अपने को स्क्वायर रूट का टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है बेटा। सो व्हाट डज द नेक्स्ट वन से बेटा, द फोर्थ वन क्या क्या दिया है बेटा, P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है, Q1 दिया है। व्हाट वी नीड, सबसे पहले Q0 Q1 चाहिए और फिर उसका स्क्वायर रूट बाद में आगे का देखेंगे अपन। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज गिवन 20 30 60 एंड 12 4 13 29 P1 दिया है उसने 20 25 40 एंड फाइनली इनकी किसी की भी अपने को टोटल नहीं चाहिए लेकिन Q0 इंटू Q1 चाहिए बेटा। दिस इज Q0 एंड दिस इज Q1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 9 108 32 27 इंटू 13 13 7 91, 9 कैरी, 13 to the 26 एंड 9 to 8, 29 इंटू 36 तो कितना था बेटा 360 इंटू 1080 माइनस 36 1044, ठीक है ना बेटा। तो ये अपना वैल्यूज आएंगे, इसकी टोटल की भी अपने को जरूरत नहीं है। देन वी नीड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कहाँ से लेंगे बेटा, फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट टेबल। 108 को कैसे करेंगे बेटा 1.08 इंटू 100 उसका स्क्वायर रूट। अपने को क्या चाहिए बेटा इवन नंबर ऑफ जीरोज, क्या चाहिए इवन नंबर ऑफ जीरोज। 1.08, 1.08, 1.039 आता है बेटा 1.039 इंटू 10 तो 10.39 आएगा बेटा ये 10.39। 32 का डायरेक्टली मिलता है बेटा, एक 10 से लेके 100 के वाले में देखो 32 डायरेक्ट आंसर, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5.657, 5.657 66 लेंगे बेटा 351 को अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा 3.51 इंटू 100 तो ये कितना है बेटा 100 का तो स्क्वायर रूट 10 पता है 3.51 ये वापस 1 टू 10 वाले टेबल में देखना पड़ेगा बेटा 3.51 1.873 1.873 तो ये आता है 18.73 एंड 1044 जो है बेटा अभी इसमें अपने को इवन नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो अपन 10.44 लिखेंगे बेटा तो ये 10 टू 100 में जाएगी बेटा 10 टू 100 में 10.44 10 अंडर 4 इज 3.225 एंड एड 6 टू 8 10.231 आएगा बेटा 10.231 तो 102.31 दिस विल बी दिस वैल्यू ओके तो ये कहाँ तक आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई this by P0 and P1 तो P1 root of Q0 Q1 ये P1 है और ये Q0 Q1 का root 20 into this तो कितना आएगा बेटा 0.9 2018 3 2006 ये 0 और ये आएगा 2 ओके अभी 225 into 5.66 25 into 5.66 आप इसको मल्टीप्लाई करो या लॉक टेबल कैलकुलेटर से 141.5 ओके बेटा देन 18.73 इंटू 40 तो ये कितना आएगा बेटा ये तो 0 एक डेसिमल आ गया 4 3 12 1 कैरी 28 एंड 1 इज 29 2 कैरी 8 4 32 34 3 कैरी 4 एंड 3 विल बी 7 10.44 इंटू 100 इसका रूट 10.44 का जो रूट है बेटा वो है 3.10 तो 32.25 आएगा बेटा दिस इज 32.25 ओके सो दिस वाज रॉन्ग एंड मल्टीप्लाई दैट बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 2418.75 ठीक है ना इसकी टोटल तो आपने को चाहिए 5 9 एंड 5 इज 14 एंड 8 विल बी 22 2 कैरी बेटा 10 26 2 carry 11 1 carry 3516.25 ओके बेटा देन अपने को चाहिए P0 Q0 इंटू Q1 वाला ओके तो ये जो है P0 के वैल्यू 10 20 30 एंड 60 है तो मल्टीप्लाई काफ़ी इजी हो जाएगा अभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 103.9 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा इसका 3 and 11 ओके उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 3 9 21 2 कैरी 26 7 3 21 23 and finally 60 into this will be 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 5 30 3 कैरी 15 1 कैरी 13 1 कैरी एंड 19 ओके 1935 13 8 एंड 3 11 10 17 2 7 1 3 ठीक है सो ये जब वैल्यूज मिल गए अपने को तो वॉल्श का जो इंडेक्स नंबर आएगा बेटा P01 ऑफ वॉल्श summation of P1 Q summation of P0 root of Q0 Q1 into 100 so this will be kitna beta 3516.25 upon 2713 into 100 log table se karna padega beta and doing on the calculator it gives out to be 129.59 कितना था बेटा 129.59 when I solve it using the log table. Okay, so that's all in this fourth question also बेटा. Let's go for the next one. आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कौन सी है कि ये SGCA जो अपने लेक्चर्स है वो दो तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस तो इसमें क्या है वी विल मीट हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे। कहां पर? इन द जी मीट। इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा। अगर बाई चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है? बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है। अब कौन कौन से कोर्सेस हम लोग आपके सामने रखते हैं, दैट इज द 11th, 12th, बीकॉम एंड द सीए फाउंडेशन। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन और यू कैन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। Find P if P01L is 90 and P01P is 40, मतलब लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है उसने 90 एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 40, फाइंड ड्रॉबिश-बॉले एंड फिशर। वैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट और यही ज्यादा आते हैं बेटा इसमें। ये छोटे छोटे, इतने लंबे लंबे तो नहीं आएंगे, छोटे छोटे आते हैं बेटा। तो लेट्स सी क्या क्या दिया है उसने बेटा इन दिस 5th प्रॉब्लम। P01 of Laspeyres is 90 and P01 for Paasche is 40. We have to find P01 of Drobisch-Bowley. कितना आएगा बेटा? ये आपने को पता है, दिस इज L plus P अपॉन 2, मतलब 90 plus 40 divided by 2, 130 upon 2, that is 65. कितना आएगा बेटा? 65. And then P01 of फिशर, ये क्या आता बेटा? L multiplied by P, क्या है बेटा? इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, L multiplied by P and is equal to कितना बेटा? 90 into 40 उसका स्क्वायर, 9 × 4 = 36, 100 उसका स्क्वायर रूट। तो ये जो आएगा बेटा P01 of F ये आएगा 60 एंड P01 of Drobisch-Bowley वो कितना आया था बेटा? 65. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आते हैं बेटा, और आते हैं ये पक्का। ओके, लेट्स गो फॉर द 6th वन। देखो बेटा, इफ समेशन ऑफ P0Q0 इज 140, P0Q1 इज 200, P1Q0 इज 350 एंड P1Q1 इज 460, फाइंड लास्पियर्स, पास्चे, ड्रॉबिश-बॉले एंड मार्शल एजवर्थ। चारों के चारों अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है ना बेटा? तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।